हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। ये नेक्स्ट है डिटरमिनिस्टिक सिग्नल और रैंडम सिग्नल। तो डिटरमिनिस्टिक मतलब जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन मतलब हम उसको मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा सिग्नल जिसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। द सिग्नल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सिग्नल विच कैन be represented mathematically, ऐसा सिग्नल जिसे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। एग्जाम्पल साइन वेव, साइन वेव को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, ये होती है साइन वेव। ए साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब उसको ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। दूसरा होता है रैंडम सिग्नल। रैंडम का मतलब जिन्हें हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे नॉइस। द सिग्नल विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, तो ऐसे सिग्नल क्या कहते हैं हम, रैंडम सिग्नल। एग्जाम्पल नॉइज, नॉइज को क्या कर सकते हैं, नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम लिख दो, नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रैंडम सिग्नल। किस टाइप की होती है नॉइस, इसमें देखिए क्या किस टाइप की दिखती है, ऐसे उल्टी सीधी दिखती है, उसके बाद कुछ एम्पलीट्यूड होता है, यूं करके यूं जा रही होती है, इस टाइप से होती है, कभी देखा होगा। तो ये क्या, ये किस टाइप का सिग्नल लग रहा है क्या आपको, ये किस टाइप का सिग्नल लग रहा है, इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, कोई एम्पलीट्यूड नहीं, कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कितनी वाली वैल्यूज कंटेन कर रहा है इस रीजन में, इसमें कितनी कर रहा है, तो हम ऐसे सिग्नल क्या कहते हैं, रैंडम सिग्नल। नेक्स्ट है पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल। फोर्थ है पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक, पीरियोडिक सिग्नल। पहले मैं पीरियोडिक पढ़ाता हूं, उसके बाद नॉन पीरियोडिक पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल, पहले पीरियोडिक सिग्नल में पढ़ेंगे हम कंटिन्यूअस, ठीक है। ये इसमें भी क्या होता है, पीरियोडिक में भी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट होते हैं दोनों में, नॉन पीरियोडिक में भी कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट होते हैं। तो पहले मैं कंटिन्यूस सिग्नल पढ़ता हूँ, ठीक है। एक पीरियोडिक सिग्नल कंटिन्यूस लिख ले, कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल सी टू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ऐसा सिग्नल क्या इसकी डेफिनेशन होगी, इफ ए सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा सिग्नल जो खुद को एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल साइन वेव, कोसाइन वेव, स्क्वायर वेव, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को एक टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं। मैं साइन वेव का बनाता हूं, देखिए कैसे, ये टाइम है, कैसी होती है साइन वेव, यहां पे देखिए ये जीरो, यहाँ पे क्या होगा, कितने के टाइम के बाद रिप्रेजेंट करती है साइन वेव खुद को, 2 pi टाइम्स के बाद, ठीक है। इसका पीरियड होता है 2 pi होता है, ये पाई हो, 0 pi, 2 pi, ये 3 pi, ये 4 pi, इस टाइप से चलता है इसका, 5 pi। अब देखिए यहाँ पे ये पोर्शन गया, यही पोर्शन, इस टाइप का पोर्शन कहाँ पे आके मिल रहा है मुझको, कहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे आके, यानी ये वेव क्या खुद को रिपीट कर रही है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मुझे कहाँ जाके मिल रहा,
यहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, क्या ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, 2 पाई टाइम्स के बाद खुद को रिपीट कर रही है। तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो इसका पीरियोडिक टाइम पीरियड कितना हो गया टी, अगर इसका फंडामेंटल टी क्या है मेरा, फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, 2 पाई, ठीक है। एक्स टी बराबर ए साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये खुद को रिप्रेजेंट कर रही है 2 पाई टाइम्स के बाद। तो ये हो गया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अभी इसके लिए कंटिन्यू, इसके लिए क्या वो होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर पीरियोडिसिटी, मतलब कोई सिग्नल कब वो पीरियोडिक होगा, कंडीशन फॉर पीरियोडिसिटी, पीरियड। अभी ये मैं केवल टाइम डोमेन में बात कर रहा हूँ, उसमें कंटिन्यूस टाइम डोमेन में। तो अगर कोई सिग्नल कंटिन्यूस है तो वो क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगा, और एक्सटी कोई सिग्नल है वो क्या करेगा, उसमें मैं या तो मैं टी ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, टी क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये क्या आएगा, उस पर सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उस सिग्नल में फंडामेंटल टाइम ऐड कर दूं, की वैल्यू ऐड कर दूं, तो उसमें क्या होगा, उसकी उस सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या सबट्रैक्ट कर दूं तब भी कोई क्या होगा, उस सिग्नल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए इसके लिए कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, अगर ये कंडीशन हो गई, मान लो कोई, अब देखिए मैं डिफरेंट वो ले रहा हूँ, सिग्नल ले रहा हूँ। अगर मान लो कोई सिग्नल है, यहाँ पे देखिए अब इनके कैसे टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। अगर ए साइन ओमेगा नोट टी है या ए कोस ओमेगा नोट टी है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड यानी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है ना, इतना फिक्स रहता है, और जो टी के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। यहाँ टी के साथ मल्टीप्लाई में क्या, ओमेगा नोट, यहाँ पे कितना ओमेगा नोट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओमेगा नोट। तो जब भी साइन या कोसाइन हमें फंक्शन दिखेगा तो उसका पीरियड कैसे फाइंड करना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट। मान लो हमारे पास कंपोजिट सिग्नल है, कंपोजिट मतलब सम ऑफ सिग्नल्स, X1 को सिग्नल है, X2 सिग्नल है, ऐसे बहुत सारे सिग्नल आ गए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग टाइम पीरियड के, ठीक है। तो हम क्या इसका कैसे फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, मान हम क्या करेंगे, अलग अलग फाइंड करेंगे। इसका मान लो T1 टाइम पीरियड है, इसका T2, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस माइनस से उसकी के पीरियड उस पर पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ये हो गया T4, ठीक है। हमने इनके फाइंड कर लिए, हम सिंगल एक एक फंक्शन का तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 इनका रेशियो निकालेंगे, T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T3, ऐसे T3 अपॉन T4, ठीक है। इन सब के रेशियो चेक करेंगे, ये अगर रेशनल आते हैं, इनके रेशियो वो क्या होने चाहिए, रेशियो शुड बी रेशनल। अगर ये रेशियो रेशनल आ जाते हैं तो हम ऐसे सिग्नल क्या कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, वो सिग्नल पीरियोडिक है। अब उसका जो फंडामेंटल पीरियड है, देखिए एक ये कोई पूरा सिग्नल है, मैंने इसको XT नाम दे दिया, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट के सिग्नल थे, तो इसका पूरे का सिग्नल का वो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। ये तो हर एक का, इसका T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, इसका T4 है, हमने ये पता लगा लिया कि कंडीशन क्या है उसके पीरियडिक होने की। देन पीरियड क्या होगा, पीरियड फंडामेंटल पीरियड जो होगा, फंडामेंटल पीरियड ऑफ XT क्या हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, किसका, T1, जितने भी T1, T2, T3 जहां तक भी होंगे, ठीक है, इन सब का क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा उसका। यहां पर क्या करेंगे, T1, T2, T3 पहले इनका वो रेशियो चेक करेंगे, अगर वो रेशनल आता है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसका फंडामेंटल पीरियड मतलब वो पीरियडिक है या नहीं। अगर इरेशनल आया था तो कहेंगे, अगर वो रेशियो इरेशनल हो गया तो क्या कहेंगे, वो सिग्नल एपीरियोडिक है, नॉन पीरियडिक है। नेक्स्ट, अगर ये T1, T2, T3 अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए, फ्रैक्शन मतलब उसके रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गए, अगर इंटीजर की फॉर्म में आ गए, इंटीजर का LCM तो निकालना आसान है, अगर वो इसकी फॉर्म में आ गए किसकी,
चलो उसको जब क्वेश्चन आएगा उसी टाइम बताऊंगा इस टाइम। इसके लिए ये याद रखना नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस टाइम सॉरी डिस्क्रीट टाइम एपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम पढ़ लो या पहले नॉन पीरियोडिक पढ़ लो नॉन। अब एक एक पार्ट करके करते हैं तो ठीक रहेगा। नॉन पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सॉरी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। पहले हमने कंटिन्यूस पीरियड भी देखा था, इस बार क्या होगा नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक के लिए क्या क्या होगा, इफ सिग्नल डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम ऐसे सिग्नल क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इसका एग्जांपल देखिए, एक्स टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका ग्राफ किस टाइप का दिखेगा मुझे, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है ये। तो इसका एम्पलीट्यूड ए हो गया एक्स टी इक्वल टू ए ई की पावर माइनस टी, ये क्या हो गया टी। अब देखिए ये फंक्शनल सिग्नल क्या कभी खुद को रिपीट कर रहा है क्या, जैसा यहाँ पे था ऐसा कहीं पर आएगा क्या, नहीं आएगा। जो तो रिपीट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन पीरियोडिक। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होगा, इसमें एक्स टी जो होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है, एक्स टी प्लस टी प्लस माइनस कैपिटल टी। ठीक है, अगर इसको कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट है इसी का पार्ट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वाला पार्ट पोर्शन कवर करते हैं इसी में, देखिए डिस्क्रीट वाला जल्दी से देखते हैं। पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम, पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अगर डिस्क्रीट है वही डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, फिक्स इंटरवल और टाइम के लिए वो करेगा रिपीट करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे टी की, यहाँ तो डिस्क्रीट में क्या होता है एन चलता है, ठीक है, एक्स एन प्लस माइनस कैपिटल एन। ठीक है, तो एन एन का हो गया डिस्क्रीट, एन का मतलब हो गया इसका फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये कोई सिग्नल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे एंड सो ऑन। ये क्या हो गया एक्स एन और ये हो गया एन। देख डिस्क्रीट में कैसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर टी ने लिख दिया ना, ये डिस्क्रीट में क्या होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए ये वाला पीरियड, ये वाली वैल्यू कहाँ जाकर आ रही है दोबारा से, यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसका पीरियड कहाँ से कहाँ हो जाएगा, वन के बाद ये किसके बाद रिपीट हुआ सेवन पे, देन इसका पीरियड कितना हो जाएगा वन के बाद कहाँ पे रिपीट हुआ सेवन पे। तो कितने वो चलने पड़े इसको, यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कितने वो चलने पड़े इसको पॉइंट सिक्स पॉइंट, यानी इस ये जो सिग्नल है इसका पीरियड कितना होगा सिक्स। तो इसके लिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा ही काम करना जो कंटिन्यूस में करना था। डिस्क्रीट उसके के लिए नॉन पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या हो जाएगा, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा एक्स एन नॉट इक्वल टू एक्स एन प्लस माइनस एन, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें, देखिए इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे ये है, उसके बाद ये है ये है ये है ये है ये है ये है, ठीक है। तो ये इस वाले सिग्नल को क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, वैसे ही किसका ग्राफ है ए ई की पावर माइनस एन का, ये क्या हो रहा है खुद को डिकेइंग कर रहा है, ठीक है, डिकेइंग कर रहा है। यहाँ पे ये ए एम्पलीट्यूड हो गया इसका, खुद को ये कभी रिपीट ही कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ठीक है।
तो ऐसी सिग्नल क्या कहेंगे हम, नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक पढ़ लिए, इसके आगे से मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे और ज्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।